तेगरा का सबसे नंबर वन पंडाल आप देख सकते हैं। आप लोगों को दिखा रहे हैं तेगरा का टॉप 5 पंडाल में से एक गाइस। यहाँ पे असली भीड़ पता चल रहा है मेले का। देखिए गाइस, तेगरा का अद्भुत पंडाल हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, मिट्टी के सामान से बनाया हुआ। देखिए बोल बम बोल बम। देखिए गाइस, मेरा एक सिंगे गायब हो गया साला, पता नहीं चला के लेके गया। कैसा लग रहा है ये हमारा नया लुक? 1927 से इस तेगरा जन्माष्टमी का मेला का शुरुआत हुआ था और अभी तक हो रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो गाइस, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए ब्लॉग वीडियो में। गाइस, तो हम फिर से आ चुके हैं तेगरा मेला को एक्सप्लोर करने के लिए। गाइस, बैक टू बैक दो तीन वीडियो आप लोग देखेंगे तेगरा मेला का। लेकिन गाइस, ये ब्लॉग सबसे ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि गाइस तेगरा मेला की असली खूबसूरती हम आप लोगों को नहीं अभी तक दिखा पाए थे। लेकिन आज के मेला में जो हम आप लोगों को तेगरा मेला की असली खूबसूरती दिखाएंगे, आखिर क्यों तेगरा मेला इतना प्रसिद्ध है, आखिर ऐसा क्या होता है, आप सभी के मन में भी होगा। इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि आखिर तेगरा मेला में ऐसा क्या होता है जिसके वजह से पूरा जो बिहार में प्रसिद्ध है। पूरा मेला एक्सप्लोर करेंगे। देखिए, इस मेले में हम आप लोगों को पूरा मेला घुमाएंगे, बोलेंगे कम, इस वीडियो में आपको बोलेंगे कम और दिखाएंगे ज्यादा। तो वीडियो में बने रहिएगा आप लोगों को। यह सिर्फ तेगरा मेला का एंट्री, और देखिए खूबसूरत तरीके से एंट्री किया जाता है पूरे मेले में। उसके बाद गाइस, ये मेला करीबन 10 किलोमीटर के रेंज में लगा रहता है। आज पैदल चलेंगे और पूरा मेला को टूर करेंगे और पूरा मेला आप लोगों को दिखाएंगे, तेगरा जन्माष्टमी मेला। देखिए गाइस, मेला में हम पहुंच चुके हैं और अब मेला की शुरुआत हो चुका है। बता दे गाइस, दिल थाम के बैठिएगा, तेगरा मेला देखना आसान नहीं है गाइस, क्योंकि 10 किलोमीटर के रेंज में ये मेला फैला रहता है। आप देखिए, आज हम पैदल चल रहे हैं और पूरा मेला को एक्सप्लोर करेंगे। देखिए, मजा तो बहुत आएगा। हालांकि गाइस, अभी मेला का स्टार्टिंग है इसलिए आपको भीड़ काफी कम दिख रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे समय होता है वैसे वैसे मेला में क्राउड बढ़ जाता है। और इस मेले को देखने के लिए क्योंकि बिहार से तमाम जिले से आते हैं लोग, इस वजह से भीड़ काफी ज्यादा होता है। और देखिए गाइस, तेगरा मेला बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इसके बारे में जितना बोले कम पड़ेगा, इसलिए बोलना कम है दिखाना ज्यादा है कि आखिर पंडाल की खूबसूरती और उसके बाद सजावट आखिर तेगरा का कैसा होता है, ये सभी आपको देखने को मिलेगा। देखिए गाइस, हम तेगरा मेले का अद्भुत प्रतिमा आपको दिखा रहे हैं गाइस। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जेल में जन्म हुए थे और देखिए अभी यहाँ पे जेल बनाया हुआ भी है, काफी खूबसूरत ये प्रतिमा है। इस तरह से आप लोगों को बहुत सारे प्रतिमा देखने को मिलेगा, अभी बैक टू बैक सभी जगह पे चलेंगे दिखाएंगे। देखिए, रास्ते में महिलाओं के लिए अलग रास्ता रहता है, जेंट्स के लिए अलग रहता है। आप लोगों को दिखा रहे हैं तेगरा का टॉप 5 पंडाल में से एक गाइस। देखिए, ये पंडाल सबसे ज्यादा आकर्षक लग रहा है, हालांकि ये तेगरा का सबसे बेस्ट पंडाल में से एक है गाइस। इसकी ऊंचाई आप देखिए और ये नीचे का डिजाइन देखिए, मतलब अगर टॉप 5 पंडाल में से एक ये भी आता है जो कि एकदम ब्लॉक के पास आता है, और ये ब्लॉक एरिया है जहाँ पे काफी सारा झूला भी लगा हुआ है, लेकिन ये पंडाल की आप खूबसूरती देखिए, असली मेला का भीड़ इधर है गाइस। देखिए, पूरा रास्ता तेगरा का जो है भरा हुआ है। हालांकि गाइस, इस रास्ते में अभी जो है आप बाइक और कार से नहीं आ सकते, मेला का शुरुआत जब होने के बाद रास्ते में जो है गाड़ी को रोक दिया जाता है, जगह जगह पे आपको पार्किंग मिल जाएगा। अभी ये मेला आपको बता दे 2-3 दिन और रहने वाला गाइस। अगर बिहार के आप किसी भी जिले से देख रहे हैं तो अभी 2-3 दिन और ये मेला रहने वाला, आप कभी भी आके देख सकते हैं। हालांकि रात में आते हैं तो मेला की खूबसूरती ज्यादा आकर्षक लगेगा, डे में आते हैं तो थोड़ा सा कम लगेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ का असली सजावट आपको रात में ही देखने को मिलेगा। ओ भाई, ये देखिए तेगरा मेन मार्केट के अंदर अभी हम जाने वाले हैं गाइस, और दूर से देखिए भैया भीड़, मतलब यहाँ पे असली भीड़ पता चल रहा है मेले का, समझ रहे हैं, पैर रखने तक का जगह नहीं। ये देखिए तेगरा मेला का पहला पंडाल, क्योंकि बहुत ही भव्य बना हुआ है, और इसी रास्ते में आपको बैक टू बैक बहुत सारे पंडाले हम दिखाएंगे। एक और भव्य पंडाल के पास अभी हम पहुंच चुके हैं गाइस, और इस पंडाल की खूबसूरती आ गई थी, काफी भव्य है और ये मार्केट का पंडाल है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा क्राउड लगा रहता है हमेशा। आप जिस टाइम आइएगा हर एक टाइम आपको यहाँ पे भीड़ काफी ज्यादा मिलेगा और भव्य पंडाल बनता है। केला में ये हो सब ले सकते हैं, समझे, टमाटर गाजर, समझ रहे हैं। ये देखिए गाइस, जन्माष्टमी मेला का असली सजावट की खूबसूरती भाई, गजब।
मतलब इतना गजब का सजावट है भाई। ठीक है, मेला में कुछ मिला नहीं लेकिन ये जबरदस्त चीज मिला है, आप देखिए असली मजा। अरे पीछे करो यार, हाँ ये आप लगेगा मेला में मजा, वीडियो बनाने में आप मजा आएगा। देखिए गाइस मेला तो घुमाएंगे लेकिन मेला घूमने में बोर ना हो इसके लिए थोड़ा सा तो एंटरटेनमेंट तो करना पड़ेगा गाइस, इसलिए देखिए नया लुक के साथ मेला में आए। हाँ एक आगे से रखे है रास्ता खाली करने के लिए। ओ भाई आइसक्रीम पूछते हुए जा रही है सभी लोग भाई, चलो चलो कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा जरूर। डंटा दिखा रहे हैं चाचा की, इधर आ जाइए बताए समझे। अब गाइस देखिए मेला घूमने का असली मजा तो यही है, रात में आइए जन्माष्टमी मेला जी। अगर तेगरा के घूमना हो तो भैया देखिए यहाँ पे पहले आप प्रतिमा का दर्शन कर लीजिए। ठीक है देखिए बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा है यहाँ भगवान श्री कृष्ण का। दोस्तों देखिए यह है पंडाल, जबरदस्त खूबसूरत लग रहा है। हालांकि पंडाल के साथ साथ आपको बाहर भी घूमिएगा तो बड़ा मजा आएगा। देखिए यहाँ पर लाइटिंग वाइटिंग बहुत जबरदस्त, आप देखिए एक लाइट हम अपने सर पे भी बांध लिए इसलिए कि ताकि मन लगे मेला में, समझे। देखिए साला इसमें एक बात तो है, इस मेले में लड़कियों का सामान बहुत मिलता है, लड़का का मिले न मिले। देखिए एक आदमी का मुंडी टेढ़ा है। देखिए धक्का मुक्के खा के मेला घूमने आते हैं, तगरा के मेला घूमना इतना आसान नहीं है, बहुत 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 मुश्किल है भैया, इतना लाखों के भीड़ में दौड़ना पड़ता है। आप देखिए गाइस हम पहुंच चुके हैं अपना बिहार का यानी तेगरा मेला का लाल किला। ये देखिए लाल किला वाला पंडाल, मतलब कुछ ऐसा बनाया हुआ है देखने में आपको पूरा लाल किला लगेगा भैया। तेगरा मेला में ये सब कुछ खास आपको देखने को मिलेगा भाई, गाइस मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, रात देखिए दिन देखिए हर टाइम देखिए। बोल बम बोल बम बोल बम, हर एक माल मतलब इतना लगा दिया है, सारा मेला का भीड़ इधर ही ले लिया, समझ रहे हैं, खाली हर एक माल एकदम, 20 रुपया 20 रुपया 20 रुपया। बेचारा मोलो सोच रहा है साला मेरे भट्टा बैठा देगा, 20 रुपया हम सब कुछ दे रहा। गर्लफ्रेंड को ऐसा है हेयरबैंड दीजिए जो कि गर्लफ्रेंड भी खुश हो जाए भैया, एकदम लाइट वाइट सब लगा हुआ, समझे। देखिए कैसा किसी को चाहिए तो बताइएगा, हम देखे मतलब समझ रहे हैं, हम देख ही रहे हैं अब लेने आ गए, अब बताइए हम क्या ही करें। देखिए गाइस मेरा एक सिंगे गायब हो गया साला, पता नहीं चला क्या लेके गया, अब बताइए दूर दुनिया में दुए वो सिंह था वो चलिए गया। लेकिन जो भी बात बोलो भाई गजब का सजावट है, पंडाल उंडाल भी बहुत बढ़िया बना है इस बार एकदम। अरे भैया अभी 2 दिन रहेगा मेला, ये घूमने के लिए तो मजा आ जाए। साला हमको ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि हर एक माल तो बोलता है लेकिन माल देता ही कहाँ। देखिएगा इधर देखिए एकदम गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के लिए हर एक माल सामान मिल रहा है एकदम सस्ता सस्ता, ना आके ले सकते हैं। बाकी बाबू सोना के लिए टेडी बियर का दुकान है भैया दोनों साइड से। देखिए तो मेला में वैसे कुछ खास नहीं है लेकिन जो भी है इधर आप लोगों को मिल जाएगा टेडी बियर वगैरह, हाँ समझे। अभी लोगों का रिएक्शन बड़ा मस्त है, देखिए नया लुक है हमारा, ये कैसा लग रहा है बताइएगा कमेंट करके। मेला में अगर मजा ना आए तो भैया फिर बेकार है मेला घूमना, तो इस तरह का रिएक्शन वीडियो जो है बड़ा मजा आ रहा है देखने में। आहा कैसा लग रहा है ये हमारा नया लुक, मेला भी घूम रहे हैं, कोई जाने का भी नहीं कोई पहचाने का भी नहीं, आहा आंखें आंख से आंख नैना मटक का भी हो रहा भैया। गाइस तो अब हम पहुंच चुके हैं तेगरा का सबसे नंबर वन पंडाल, आप देख सकते गाइस इस पंडाल की भव्यता बहुत ही आकर्षक और बहुत ही भव्य बना है पंडाल। आपको बता दे गाइस साउथ के मंदिर के तर्ज पे बना हुआ था, ऑलरेडी एक बार दिखा चुके हैं लेकिन रात में दिखा रहे हैं कि असली खूबसूरती भैया इस पंडाल का रात में ही लग रहा है। और ये पंडाल देखिए साउथ के मंदिर के तर्ज पे बना हुआ है, ये तेगरा का नंबर वन पंडाल है गाइस। वैसे ऐसे ऐसे पंडाल बहुत सारा बना हुआ है लेकिन सबसे टॉप यही पंडाल की खूबसूरती लग रहा है गाइस। आइए इस बार मेला देखने तो ये पंडाल जरूर देखिएगा। देखिए गाइस तेगरा का अद्भुत पंडाल हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, मिट्टी के सामान से बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए जितने भी सामान आप देख रहे हैं वो सभी मिट्टी का है, बाकी पंडाल बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये कोलकाता के जैसे थीम पे बनाया हुआ है। देखिए कोलकाता में ऐसे आप पंडाल देखते होंगे, देखिए मक्का जिसको कहते हैं वो भी इसमें है,
और ये पूरा पंडाल बहुत ही भव्य और काफी खूबसूरत है। अभी एक जानकारी हमें मिला है कि 1927 से इस तेगरा जन्माष्टमी का मेला का शुरुआत हुआ था और अभी तक हो रहा है। आप समझ लीजिएगा जितना ऐतिहासिक मेला है। देखिए भैया, तेगरा के जन्माष्टमी मेला घूमने के लिए आते हैं तो भैया एनर्जी लेके आइएगा, खाना पीना भरपूर खा के आइएगा, क्योंकि तो भैया चलते चलते जो है ना आपका फट जाएगा। हमारा तो भैया बुरा हाल है, लग रहा है कितना जल्दी जाए भाई घर, मतलब चलते चलते बहुत हालत खराब हो गया भाई। बहुत दूर तक मेला लगता है, चलने में तो हालत खराब होता ही होता है, बाकी का भीड़ इतना ज्यादा भाई, जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे यहाँ पे भीड़ बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि समय बढ़ता है तो घटता है, यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे समय जैसे जैसे बढ़ेगा यानी कि 10 12 11 बजे उसे उसे से यहाँ पे भीड़ ज्यादा बढ़ जाता है। तो भैया बहुत मेला तो घुमा दिया, हमको लगता है अभी तक मेला घूम के आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। शेयर कर दीजिएगा वीडियो।